हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आशीष जगवानी में। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है मैट्रिक्स, और जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। और ये जो है ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है। तो जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है, अब इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली 11 टाइप्स के जो है मैट्रिक्स होते हैं जो कि हमको डिप्लोमा में जो है पूछे जाते हैं। तो जो रो सबसे पहला जो उसका टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो, और कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉलम्स हो सकते हैं, पर जो रो है वो सिर्फ सिंगल रो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है रो, और वर्टिकल लाइन होती है वो होती है कॉलम। तो यहाँ पर एक रो है, तो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 × 3 R × C, मतलब रो इंटू कॉलम। यहाँ पे एक रो 3 कॉलम है, ये मेरा एक एग्जाम्पल था इसमें। फिर अगला सेकंड टाइप आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जैसे हमने रो मैट्रिक्स में देखा था कि एक रो होनी चाहिए, वैसे कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक कॉलम यानी एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3 × 1, 3 × 1 मतलब 3 रो है इस एग्जाम्पल में और एक कॉलम है। अब यहाँ पर रोज कितनी भी हो सकती है, पर जो कॉलम है वो सिर्फ एक ही हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। फिर हम देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स के अंदर। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल होता है वो डायगोनल के अंदर सिर्फ वन जो है वन डिजिट हो, उसके अलावा डायगोनल को छोड़ के सब जगह जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे हमको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें जिसकी चारों साइड्स इक्वल साइज की होती हैं, वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें 1, 2, 3 तीन वर्टिकल लाइंस हैं, मींस 3 कॉलम है, और 1, 2, 3 तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब 3 जो हैं वो है रोज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसका फिफ्थ टाइप आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है A = 1, 2, 3, 1। तो यहाँ पे मैंने अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है मतलब जो रो है वो रो को उठा के हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट रो ली और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 1, 2, 1, 2 हो गया। फिर यहाँ पे जो 3, 1 है, ये रो को मैंने उठा के यहाँ पे ऐसा कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका बन जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर हम इसके सिक्स्थ टाइप पे आते हैं, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें A = A ट्रांसपोज। ए मतलब जो मेरी मैट्रिक्स है ए, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो भी मुझे वही जो मेरी मैट्रिक्स थी वही अचीव होगी। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 1, 2, 2, 1, इस रो को जो फर्स्ट रो है अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं कॉलम में तो ये बनेगा 1, 2, और इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूं तो 2, 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो और जो ए ट्रांसपोज है वो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। फिर हम अगले इसके टाइप पे आते हैं, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें A = -A का ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है A, अब इसमें मैंने लिखा 0 − 2 − 4 2 0 2 4 − 2 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, मतलब कि मैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलता है वो ये रहा, A 0 2 4 − 2 0 − 2 − 4 2 0। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी नेगेटिव वाली टर्म्स थी वो हो चुकी है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाली टर्म थी वो हो चुकी है नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं इससे माइनस साइन को कॉमन निकालूं तो जो मेरी मैट्रिक्स थी, जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, उसी के ही इक्वल हमारा नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसका एट टाइप है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। अब डिटरमिनेंट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा, अभी आप सिर्फ इसको ध्यान में रखें और उसके नोट्स बनाते जाएं। और फिर जो नाइन्थ इसका टाइप है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टेंथ टाइप की, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से डायगोनल खींचूं और डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर डिजिट्स हों, और जो डायगोनल के नीचे वाला ट्रायंगल है उसके अंदर कोई भी डिजिट्स नहीं हो, इस डिजिट्स मतलब जीरो हो, मतलब 1, 2, 3, 4 ना होके जीरो हो, तो वैसी वाली मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है उसके अंदर डिजिट्स होते हैं और नीचे वाले ट्रायंगल में सिर्फ जीरो होता है।
फिर इसका लास्ट टाइप देख लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर ऊपर वाले ट्रायंगल में जो है डिजिट्स होते थे जीरो को छोड़ के, वैसे ही यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले ट्रायंगल को छोड़ के सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल में ही डिजिट्स होते हैं जीरो को छोड़कर, ऊपर वाले ट्रायंगल में सिर्फ जीरो होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।